जनता का वो बजट जो है, कहती है कि जनता का बजट है ये, लेकिन जितना प्रावधान किया गया है पैसे का उसमें 58,000 करोड़ अभी तक खर्च नहीं हुए हैं। बिहार बजट को लेकर चर्चा तेज है। लगातार सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा कहा जा रहा है कि बजट बेहद खास है, लेकिन विपक्ष के नेता बार बार बता रहे हैं कि बजट जो है कुछ भी खास नहीं है। झुंझुना जो है वो बिहार वासियों को एक बार फिर थमा दिया गया है। विपक्ष के नेता लगातार सदन में जो है सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। बजट सत्र का दिन चल रहा है, आपको बता दें चौथा दिन है बजट सत्र का, और इस बीच राजद के कद्दावर विधायक भाई वीरेंद्र सदन पहुंचे हैं। सदन जाने के दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की है और बिहार बजट पर पहली प्रतिक्रिया भाई वीरेंद्र ने दी है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र, आप सुनिए। सवाल है, बजट का आकार केवल जनता के बीच में पेश किया जाता है, लेकिन जनता का वो बजट जो है, कहती है कि जनता का बजट है ये, लेकिन जितना प्रावधान किया गया है पैसे का उसमें 58,000 करोड़ अभी तक खर्च नहीं हुए हैं, और एक महीना में करना है खर्च, वो कहीं न कहीं लूटपाट करने की मंशा है। इसलिए सरकार केवल बजट लंबा करती है कि इतना आकार मेरा हो गया है, लेकिन सरजमीन पर वो खर्च नहीं होती है। इसलिए 58,000 करोड़ रुपया आप एक महीना में कैसे खर्च कीजिएगा, डेढ़ महीना में कैसे खर्च कीजिएगा, ये आपको बताना होगा। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ज्यादा नाराज हो जाते हैं। कौन नाराज चल रहे हैं? नीतीश कुमार। किनसे नाराज चल रहे हैं? बात में काफी अब नाराजगी दिख रही है। असल में सवाल है कि उनका काम तो मैंने पहले कहा था वो कुर्सी कुमार हैं, और किसी ने कहा था बीजेपी के लोगों ने कि इब्राहिम दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिलाना हो मुख्यमंत्री पद के लिए तो वो मिला सकते हैं। वो नाराज कब होंगे, कब खुश होंगे, हमको समझ में नहीं आती है। वो बड़ी ही विचित्र तरह के लोग हैं और बिहार से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, न बिहार के लोगों को लाभ। तो आपने दर्शकों सुना, भाई वीरेंद्र को राजद के विधायक हैं और लगातार सरकार को घेरते नजर आते हैं। इस बार भी मौका था बिहार बजट सत्र का, तो उन्होंने कहा कि लगातार सरकार जिन बातों का दावा कर रही थी वो बात कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर नहीं उतर पाया। कहाँ गए 19 लाख रोजगार, और रोजगार की बात की थी सरकार ने, तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को सरकार को ध्यान देना चाहिए था उन चीज़ों को सरकार भूल चुकी है। आगे खबरों के साथ हम आपसे मिलेंगे। जाते जाते न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद आपका।